सोशल मीडिया पर वायरल होते एक वीडियो ने एक बार फिर पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने ला दिया है। दरअसल इंदौर में एक ऑटो चालक के मास्क नहीं लगाने पर दो पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। चालक को न सिर्फ बेदम पीटा बल्कि उसे सड़क पर घसीटते भी रहे। पूरा मामला इंदौर के परदेसीपुरा क्षेत्र का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पूर्वी क्षेत्र के SP आशुतोष बागरे ने दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया है और SP ऑफिस में अटैच कर दिया गया है। ऑटो चालक कृष्णा के परिचितों का कहना है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, जबकि पुलिस ऑटो चालक को नशे का आदि बता रही है। परदेसीपुरा की पुलिस जो है इसमें कर रही थी रोको टोको अभियान के तहत, और इसमें जो एक आदमी है ये आपराधिक प्रवृत्ति का है। इसके जो है दो मामले इस पे कायम है, एक तो चाकूबाजी का और दूसरा जो है अवैध वसूली का। इसके अलावा ये स्मैक पीने का आदि है। जब पुलिस ने इसको रोका तो इसने पुलिस वालों के साथ हुज्जत करी, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश करी, तो फिर ये घटना हुई। जिसने भी वीडियो बनाया उसका प्रथम पार्ट इसने काट दिया और दूसरा पार्ट जो है इसको वायरल कर रहे हैं ताकि पुलिस की छवि निगेटिव रूप से जनता के सामने जाए। हालांकि ये कहीं से भी उचित नहीं है कि कोई भी पुलिसकर्मी जो है आम जनता के साथ में इस तरह का बर्ताव करे, तो भी इसलिए इनको सस्पेंड करके और SP ऑफिस अटैच किया गया है। और इसमें जो CSP परदेसीपुरा है इनको प्राथमिक जाँच सौंपी गई है। जो भी जाँच में तथ्य आएंगे उसके अनुसार विधि अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों में मध्य प्रदेश का सातवां सबसे संक्रमित राज्य बना हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर से बनते माहौल ने सरकार को चिंता में डाल दिया है, तो वहीं लोगों में डर का माहौल बनने लगा है। मध्य प्रदेश में पिछले 10 दिनों से COVID-19 मरीजों में लगातार वृद्धि हो रही है। राज्य के 52 जिलों में कोरोना तेजी से पैर पसारता नजर आ रहा है। ताज़ा आंकड़ा 3,722 मरीजों का सामने आया है, वहीं 18 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 3 लाख के पार पहुँच चुकी है, तो वहीं मौतों का आंकड़ा भी 4,073 पर आ गया है। राज्य में बड़े शहरों से कोरोना अब छोटे शहरों की ओर बढ़ने लगा है। इंदौर में 805 केस सामने आए जबकि 3 मरीजों की मौत हुई है, तो वहीं भोपाल में सोमवार को 582 संक्रमित मरीज मिले, जो इस साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है।